दुनिया में राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं कुछ इस कदर कि दुनिया एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर यानी नई विश्व व्यवस्था की तरफ बढ़ रही है। दरअसल चीन पर दुनिया भर में कोरोना वायरस को फैलाने के गुनाह से बचने के लिए सुपर पावर बनने की सनक सवार है, लेकिन अमेरिका चीन का हुक्का पानी बंद करने की जमीन तैयार कर चुका है और इस हकीकत की तस्वीर बहुत जल्द दुनिया के सामने आ जाएगी। दुनिया में अकेला रह जाएगा चीन। चीन को मिलेगी कोरोना फैलाने की सजा। विश्व बिरादरी से बाहर होगा चीन। चीन का हुक्का पानी बंद। ये किसकी साजिश है कि परमाणु असलहों से लैस दुनिया के दो ताकतवर मुल्क एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं? ये किसकी साजिश है कि दुनिया की दो महाशक्तियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं? ये किसकी साजिश है कि अमेरिका और चीन जंग की कगार पर खड़े हैं? एक बार फिर अमेरिका और चीन में तकरार बढ़ गई है। एक बार फिर अमेरिका और चीन के बीच तल्खियां बढ़ चुकी हैं। एक बार फिर चीन और अमेरिका एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं। कोरोना काल में दुनिया एक अजीब दौर से गुजर रही है। दुनिया में राजनीतिक और सामरिक समीकरण तेजी से बदलते जा रहे हैं। दुनिया में कोरोना वायरस को फैलाने की गलती न मानने की जिद पर चीन अड़ा हुआ है, तो अमेरिका चीन को इस गलती का गुनहगार ठहराने पर आमादा है। जानकारों का मानना है कि चीन पर दुनिया की सुपर पावर बनने की सनक सवार है, तो अमेरिका और उसके सहयोगी देश चीन को हाशिए पर खड़ा कर देने की विराक में है। पूरा वर्ल्ड का ऑर्डर एकदम चेंज नहीं हो सकता है जब तक कि बड़ी ताकतें जिनके पास टेक्नोलॉजी है वो आगे बढ़ती रहेंगी, क्योंकि अगला जो समय आने वाला है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होगा, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 से प्रभावित रहेगा और उसके अंदर में नई प्रोसेसेस, नई टेक्नोलॉजीज सामने आएंगी और मैं समझता हूँ कि उसमें भारत को एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देना चाहिए। अमेरिका और उसके सहयोगी देश चीन को उसकी गलती की सजा देना चाहते हैं और काफी हद तक उन्होंने इसकी तैयारी भी कर ली है और इसकी एक मिसाल जल्द ही दुनिया के सामने आने वाली है। रिमपैक यानी रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज दुनिया की नौसेनाओं का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है और कोरोना महामारी के बीच अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास करने वाला है, लेकिन चीन के रवैये को देखते हुए उसे इस युद्धाभ्यास में शामिल होने का न्योता नहीं भेजा गया है। यानी चीन के लिए ये साफ इशारा है कि दुनिया उसे विश्व बिरादरी से बाहर करने की तरफ कदम बढ़ा चुकी है। ये है ऐसा कि अमेरिका और चीन के संबंध अच्छे नहीं हैं, उनका ट्रेड वॉर चलता रहा और अभी भी जो है एक तरह का दुनिया में जो संप्रभुता के लिए झगड़ा चल रहा है उसमें चीन और अमेरिका एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं। तो और इंडिया पैसिफिक में जहां हम देखते हैं कि चीन की जो एक तानाशाही चली हुई है वो जिस भी मुल्क के खिलाफ कुछ भी कर देता है, जैसे चाहे वो मलेशिया हो, चाहे ताइवान हो, चाहे इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस और स्प्राटली आइलैंड पे अपना बना लेता है, वो इंटरनेशनल लॉ को नहीं मान रहा है। दरअसल कोरोना वायरस महामारी पर चीन से बढ़ते तनाव के बावजूद अमेरिका भारत समेत 25 देशों के साथ प्रशांत महासागर के हवाई द्वीप के पास दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास करने वाला है। 17 से 31 अगस्त तक होने वाले इस नेवल एक्सरसाइज में 25 देशों की नौसेनाएं आपसी सहयोग और युद्ध के नए दाव पेंचों को सीखेंगी। रिमपैक को 2004 में शुरू किया गया था। रिमपैक का आयोजन हर 2 साल के बाद किया जाता है
और 2020 में अमेरिका समेत इसमें भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, जापान, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस, सिंगापुर, इजराइल, ब्रुनेई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, मैक्सिको, ब्राजील, चिली, कोलंबिया, पेरू, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड्स और टोंगा की नौसेनाएं शामिल होंगी। दक्षिण चीन सागर के इलाकों पर चीन के जबरन कब्जा करने और कोरोना वायरस को लेकर बढ़ते तनाव की वजह से इस बार चीन को इस युद्धाभ्यास के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है। अमेरिका ने रिमपैक 2018 में चीन को न्योता तो जरूर दिया था, लेकिन बाद में इसे वापस ले लिया था। इस युद्धाभ्यास में मल्टीनेशनल एंटी सबमरीन वॉर, मैरीटाइम इंटरसेप्ट ऑपरेशन, लाइव फायर ट्रेनिंग इवेंट समेत कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाएंगे। इसके अलावा इस युद्धाभ्यास के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा ले रही नौसेनाएं आपस में सहयोग को बढ़ाने को लेकर भी स्पेशल ट्रेनिंग सेशन आयोजित करेंगी, लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जाएगा। लेकिन कोरोना काल में एक बात तो तय है कि अमेरिका और चीन के रिश्ते बद से बदतर होते जा रहे हैं और दुनिया में कोरोना फैलाने के मसले पर दुनिया के ज्यादातर देश अमेरिका के साथ ही खड़े दिखाई दे रहे हैं और इस वक्त अमेरिका और चीन के बीच एक नई कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध की शुरुआत भी हो चुकी है। लेकिन दुनिया में फिलहाल जिस तरह के समीकरण दिखाई दे रहे हैं उससे एक बात तो शीशे की तरह साफ हो चुकी है कि चीन अपने अड़ियल रवैये के चलते विश्व बिरादरी में बहुत जल्द अकेला पड़ने वाला है।